ग्राम पंचायत टीकरी। आपका सरपंच है? जी सर, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत टीकरी। अच्छा, आपने ये तालाब का निर्माण करवाया, इसकी क्या लागत थी? सर ये 14,99,500 रुपए का है। कितने समय में बना ये तालाब? ये सर करीब करीब 3.5-4 महीने करीब लग गया सर, 4 महीने बनाने में। जी सर। तो क्या आपकी पंचायत में तालाब नहीं था? जी सर, कोई तालाब नहीं था, एक छोटा सा तालाब था, उसको रिपेयर किया गया मात्र, और चारों गांव में, चार राजस्व गांव में एक भी तालाब नहीं था। कौन कौन से? टीकरी, खरेका, करेगमा, खेरिया, चुनैटी। इन गांवों में फिर कैसे पानी की व्यवस्था होती होगी? सर उस समय जब मैं सरपंच बना था, सर सूखे की स्थिति में थे, किसी भी हेडपम्प वाटर लेवल नहीं थी, पानी की बहुत समस्या थी। जब मैं सरपंच बना, सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि सीसी रोड और पानी की व्यवस्था मेन चीज, दो ही काम करूंगा। उस समय मैं लगभग 100% काम कर चुका हूँ। तीन तालाब किस योजना के तहत? ये मनरेगा वाटर सेट योजना के अंतर्गत बनाया, इसमें मध्य शासन और केंद्र की भी भूमिका रही है सर। काफी जोर था कि पानी को स्टोरेज किया जाए किसी प्रकार से। नेक्स्ट बगल में ग्वालियर भी है, तो वहाँ भी पानी की बहुत किल्लत है, तो ये मेरे नजदीकी है ग्वालियर में। तो अब आप क्या इसको, तो कैसे लोग क्या मानते हैं इसको आपके? इससे लोग काफी खुश हैं, इतना साफ सुथरा पानी, और इससे अब वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और हेडपम्प बता रहे बोरिंग में भी पानी आना चालू हो गया है, और नेक्स्ट टाइम इससे सिंचाई भी अच्छी हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा सिंचाई होती रहेगी, और पशु पक्षी वगैरह जंगली जानवर भी हैं यहाँ पे, काफी पहाड़ लगा हुआ है, तो वो भी इस पे पानी का यूज करते हैं, पीते हैं सब। कितनी जमीन जो है सिंचाई कर सकते हैं, लाभ हो जाएगा इसमें? करीब करीब सर 200-150 हेक्टेयर करीब पानी सिंचाई कर सकते हैं।